छुट्टियों के बारे में, जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। जितिया पर्व था और भी पर्व थे तो कुछ कुछ छुट्टियां दी थी, तो उसको हम ज़रूर विचार करेंगे। अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया, सभी शिक्षकों को पता भी है और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा। देखिए, बिहार में जो छठ पर्व है और दीपावली है, इसको देखते हुए सरकारी छुट्टियों में, जो खासकर सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनके छुट्टियों में कटौती की गई, इसको लेकर शिक्षक लगातार सवाल उठा रहे थे। और ऐसे में जब आज हमने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से सवाल किया, इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही आज स्थानांतरण स्थापन पॉलिसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, इसमें क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, वो सुने आप। छुट्टियों के बारे में, जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उधार करें। कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जितिया पर्व था और भी पर्व थे तो कुछ कुछ छुट्टियां दी थी, तो उसको हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को सह समय पूरा करना है। और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है, पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधानाध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50,000 रुपये दिए, ताकि वहाँ पर छोटी मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल की, उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए, उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाए। नहीं, हमने एक ही वाक्य में कहा कि हम उस पर विचार करें। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर तमाम शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया? देखिए, उसमें जो अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया, सभी शिक्षकों को पता भी है और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा। और उसके बाद 15 या 20 दिन हम लोग, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो 15 या 20 दिन समय देंगे उस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए जो चाहते हैं स्थानांतरण, और पर्याप्त समय देंगे ताकि उसको हम लोग फिर उसको एसेस कर सके और उस सॉफ्टवेयर के अनुसार हम लोग उसका आगे की कार्रवाई कर सके। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कहते बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। सुनील कुमार का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से अवकाश की बातें हो रही है, सरकारी छुट्टियों की बातें हो रही है, इसको लेकर हम विचार कर रहे हैं और ऐसे में जल्द से जल्द इसको लेकर कुछ प्रावधान निकाला जाएगा। बता दें आपको कि जिस तरीके से छठ और दीपावली में जो पहले छुट्टी दी जाती थी उसके तर्ज पर अब जाकर छुट्टी नहीं दी जा रही है और ऐसे में छुट्टियों में कटौती की गई है और उसको लेकर शिक्षक सवाल उठा रहे हैं, साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा दूर दराज घर है और ऐसे में दूर दराज जिला जिस तरीके से घर है इसको देखते हुए एक दिन में हम जाएंगे तो जाएंगे कैसे। इसके साथ ही स्थानांतरण पर अपन पॉलिसी को लेकर शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने बीते दिनों शिक्षा मंत्री से मुलाकात किया था, इसको लेकर जब हमने सवाल किया, शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ऐप बनाने की बात हुई और स्कूल देखते हुए पब्लिक डोमेन में 20 दिन के बाद वो ऐप आएगा और इसको देखते हुए जो भी शिक्षक जो है ट्रांसफर पदस्थापन पॉलिसी को देखते हुए देखा जाए तो उस ऐप पे कहीं ना कहीं तमाम अनेक चीज दर्ज करवा सकेंगे, उसके बाद जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा, क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। और तमाम लोगों के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, बहुत बहुत